मिले हैं तुम हमको बड़े नसीब से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हैं तुम हमको बड़े नसीब से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। पहले या जो 9 में या 7 में दोनों सेम वर्जन है। तो सबसे पहले हम जाएंगे कंपनी इन्फॉर्मेशन में। कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाकर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हमको जाना है क्रिएट कंपनी, यानी क्रिएट कंपनी को क्लिक करेंगे। क्रिएट कंपनी को क्लिक करके हम कंपनी क्रिएट करेंगे। तो हम देते हैं यहाँ सॉफ्टटेक कंप्यूटर, अगर आपको जिस कंपनी के नाम से आप करना चाहते हैं वो नाम दे देंगे। तो सॉफ्टटेक कंप्यूटर दे दिए और बैलेंस शीट है। हम बैलेंस शीट इस वीडियो में बैलेंस शीट करके दिखाएंगे। तो एंटर देते हैं कंपनी का और हम आसनसोल एड्रेस दे देते हैं। आसनसोल स्टेट कंट्री इंडिया है, स्टेट है डब्ल्यू वेस्ट बंगाल। और एंटर, पिन कोड देने की जरूरत नहीं है। हम बना रहे हैं बैलेंस शीट बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे बैलेंस शीट दिए हैं। बैलेंस शीट करके इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन यानी अकाउंट विद इन्वेंट्री करेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में इन्वेंट्री का भी कुछ आइटम है, इसलिए हम अकाउंट विद इन्वेंट्री दिए हैं। और यहाँ डेट चेंज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट में डेट का अभी मेंशन नहीं रहेगा, तो हम डेट नहीं चेंज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम इसको एंटर देंगे, एंटर एक्सेप्ट कर लेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये कंपनी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ आपका कंपनी क्रिएट हो चुका है। तो हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बैलेंस शीट, ये हम बैलेंस शीट बनाएंगे कंप्यूटर में, टैली में। तो हम जाएंगे यहाँ, ये मेरा कंपनी क्रिएट हो चुका है सॉफ्टटेक कंप्यूटर करके, यहाँ आपको मैं देख रहे होंगे। और क्या क्या मैं पहले से बना हुआ था, राज कंप्यूटर है, सॉफ्टटेक कंप्यूटर है, ये दोनों पहले से बना था। तो हमको भी बनाना है सॉफ्टटेक कंप्यूटर में। और अभी इसको बैलेंस शीट हमको कंप्लीट करना है, स्टार्टिंग करना है, तो हम इसको स्किप कर लेंगे। एक बार स्किप करेंगे। और स्किप करके हम जाएंगे इन्वेंट्री अकाउंट इन्फॉर्मेशन में क्लिक एंटर देंगे। और उसके बाद लेजर में जाएंगे, लेजर में क्लिक करके उसको क्या करना है, क्रिएट करना है, क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सारा लेजर पोस्टिंग कर लेंगे। CAPITAL कैपिटल, अकाउंट अंडर कैपिटल रहेगा, कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल, इसका अमाउंट हम देंगे ओपनिंग बैलेंस है 9676607.30, ठीक है। अब जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो चार्ट को आप कॉपी में नोट कर लीजिए, वही चीज़ मैं इस कंप्यूटर में बता रहा हूँ इस शैली में। ये हो गया कैपिटल अकाउंट, उसका जो बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट बैंक अकाउंट में जाएगा। सॉरी, बैंक इंटरेस्ट जाएगा कैपिटल अकाउंट में, बैंक इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इसका बैलेंस नहीं है, यानी अमाउंट ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो हम ओपनिंग बैलेंस नहीं दिए हैं इसका। अब NSC करेंगे, NSC है मेरा, NSC इंटरेस्ट है, NSC इंटरेस्ट मेरा है, वो भी कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। इसका भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ओपनिंग बैलेंस में कुछ नहीं करना है, एंटर दे करके निकल जाना है। उसके बाद है NSC हो गया
पर्सनल एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंस भी हो जाएगा आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। इसका भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है। LIC, LICI आपका चल जाएगा लॉन्ग लाइबिलिटीज में। जो आप फॉर्मेट देखे थे उसी फॉर्मेट के आधार पर हम ये बैलेंस शीट बना रहे हैं। चलिए उसके बाद है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स है आपका, इनकम टैक्स जाएगा ये भी लॉन्ग लाइबिलिटी में ही जाएगा। उसको लॉन्ग लाइबिलिटीज में कर लेते हैं। पहले अमाउंट नहीं था उसका, अब है अकाउंटिंग चार्जेस ACOU। अकाउंटिंग चार्जेस टेबल अकाउंट, अकाउंटिंग चार्जेस टेबल अकाउंट आपका चल जाएगा लॉन्ग लाइबिलिटीज में ही जाएगा। अकाउंटिंग लॉन्ग लाइबिलिटीज, इसका ओपनिंग बैलेंस है 2400 एंटर। उसके बाद है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक चार्जेस पेबल यानी पे कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्जेस पेबल अकाउंट ये भी जाएगा आपका लॉन लाइबिलिटीज में जाएगा। इसका अमाउंट है 3600। एंटर। चलिए उसके बाद है सैलरी पेबल। सैलरी पेबल आपका चल जाएगा लॉन्ग लाइबिलिटीज में जाएगा। आप यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, स्पेलिंग नहीं आ रहा है तो यहाँ पर लॉन्ग लाइबिलिटीज यानी एल से स्टार्ट होता है तो एल पेस करिए तो यहाँ आपका शो करेगा, ये लिस्ट ऑफ ग्रुप में आपको शो करेगा। तो यहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, डाउन एरो आप एरो से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं डाउन एरो एरो से और एंटर करते हैं। और इसका अमाउंट है आपका सैलरी टेबल का अमाउंट है 6000। चलिए उसके बाद है सैलरी क्रिएटर। सैलरी क्रिएटर अकाउंट फिर तो पता ही होगा, सैलरी क्रिएटर में ही आएगा। सबको कुछ नहीं करना है, कोई शो कर रहा है उसको कुछ नहीं चेंजिंग करना है और उसे एंटर दे करके एंटर देना है और अमाउंट देना है। सिंडिकेटर का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, चलिए अच्छा बात है, नहीं दिया तो नहीं देना होगा। इसके बाद है बिरला कंपनी। बिरला कंपनी LTD, बिरला कंपनी आपका LTD आएगा सिंडिकेटर में आ जाएगा। सिंडिकेटर पहले से है, खुला रहता है, खुला रहता है।
नहीं दिखा रहा है? दिखाएगा, एक मिनट यार, क्यों बैठिए। बिरला कंपनी LTD, बिरला कंपनी का हो जाएगा समीकेट, इसका अमाउंट हो जाएगा बिरला कंपनी LTD 40150, एंटर। अब यहाँ ये लिस्ट ऑफ आइटम वगैरह, बिल ब्रेक ऑफ, ये सब कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ एंटर देना है। ये आए तो एंटर आएगा तो इसे एंटर दे करके बाहर निकल जाना है। अंबुजा AMBUJA, अंबुजा कंपनी LTD, अंबुजा कंपनी LTD आपका चल जाएगा 100 में जाएगा। मेरा पूरा हो गया, वो बैलेंस में मिल गया। अब इसका अमाउंट है अंबुजा कंपनी LTD का है 50500। उसके बाद है निक्की मेटल, निक्की निक्की मेटल, निक्की मेटल आपका जाएगा सिंडिकेटर में जाएगा। इसका अमाउंट है 7448 0। इसको कुछ नहीं चेंजिंग करना है, एंटर एंटर देकर के बाहर निकल जाना है इससे, और एंटर से एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद है टाटा TATA, टाटा फाइनेंस, फाइनेंस लोन, टाटा फाइनेंस लोन, टाटा फाइनेंस लोन, लोन लाइबिलिटीज में जाएगा। इसका अमाउंट है 65000। चलिए आप वो चार्ट देख रहे होंगे, ये चार्ट से आप मिला लीजिए, ये चार्ट में आपका जो लाइबिलिटी साइड है वो आपको एक्यूरेट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं प्रॉब्लम आया होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 12,60,12,60,237 है, यहाँ मिस्टेक आया है। तो हम इसको मिस्टेक को कैसे पकड़ेंगे, पिकअप करके जाएंगे और एक एक करके मिलाएंगे। टाटा फाइनेंस कितना है, 65000, यस। सिंडिकेटर का अमाउंट नहीं है। उसके बाद है सैलरी टेबल, सैलरी टेबल कितना है, 6000। इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, पर्सनल एक्सपेंस है, पर्सनल एक्सपेंस का अमाउंट कितना है, पर्सनल एक्सपेंस का अमाउंट नहीं दिया हुआ है। NSC का भी अमाउंट नहीं है। इसका मिक्की मेटल का अमाउंट देख लेंगे 74480, सही है। उसके बाद जाएंगे LICI का अमाउंट है, नहीं है। चलिए टाटा इनकम टैक्स का भी इनकम अमाउंट नहीं था। इलेक्ट्रिक चार्जेस का अमाउंट है 3600, यह सही है। कैश का अमाउंट नहीं है। उसके बाद है कैपिटल अकाउंट का भी नहीं है। कैपिटल अकाउंट का है 967607.30, सही है। बिरला कंपनी LTD, बिरला कंपनी LTD 40150 है, हाँ सही है। बैंक इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं है। अंबुजा सीमेंट LTD का 50500 है, सही है। अकाउंटिंग चार्जेस टेबल 2400, सही है। 65000, सही है। तो क्यों, किसने, कुछ छूट गया क्या? चलिए तो इसमें अल्ट्राटेक छूट गया, अल्ट्राटेक छूट गया था, तो हम अल्ट्राटेक को बनाएंगे। UltraTech
सी अल्ट्रा टैक्स एल टी डी ऐसे ही अगर आपको कुछ छूट जाए तो आप पेज अप करके आप जाकर के नया क्रिएट कर सकते हैं। अल्ट्राटेक जाएगा आपका, अल्ट्राटेक जाएगा सिंडिकेटर में जाएगा, उसको कुछ नहीं करना है चेंजिंग, कुछ नहीं देना है, इंटर दे करके आपका आना है। इसका ही 50,500 देखिए आपका इक्वेट मिल गया होगा, लाइब्रेरी साइड इक्वेट आपका अब मिल गया होगा। ऐसे ही करके हम चेक इन भी कर सकते हैं, अगर कोई मिस्टेक हो तो मिस्टेक को हम चेक इन कर लेंगे। हाँ ध्यान दें कि कहीं भी अगर आप चेंजिंग कर रहे हैं अंदर को चेक इन चेंज कर रहे हैं तो ये चेंज नहीं होता है, आप इसको भी चेंज करना होगा, यानी सन्नी डेटा का कैरेक्टर शो करता है उसको चेंजिंग करना होगा। ठीक है तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट करके अब ये मेरा लाइब्रेरी साइड कम्प्लीट हो गया। अब हम एसेट साइड अब पहुँचते हैं तो चार्ट देखिए और चार्ट देख करके अब शेयर करते हैं। चलिए फर्स्ट में है लैंड अकाउंट, लैंड अकाउंट आपका किस में जाएगा, फिक्स एसेट में का अमाउंट है 210,500। चलिए उसके बाद है बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट फिक्स एसेट अमाउंट है इसका 374040 डेटर होगा, ध्यान रहे डेटर होगा। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर की फिक्स एसेट है इसका अमाउंट कितना है 29,250। वेनिंग स्केल, वेनिंग स्केल अकाउंट फिक्स एसेट अमाउंट है 5,850। इसके बाद है टूल्स एंड टूल्स एंड टेकल्स ये आपका जल जाएगा किसने, फिक्स एसेट अमाउंट है इसका टूल्स एंड टेकन 17,055। उसके बाद है टाटा सोमो किस में जाएगा, टाटा सोमो फिक्स एसेट अमाउंट में देंगे 236,480। उसका एनएससी इसको ब्रैकेट में करके दिया हुआ 0506 ब्रैकेट को, इसका अमाउंट है 50,000। ये आपका जाएगा इन्वेस्टमेंट में जाएगा, इन्वेस्टमेंट इसका अमाउंट है 50,000। उसके बाद है एनएससी है 0406 इसका भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इसका 28,000। अंबुजा सीमेंट आपका जाएगा
डिपॉजिट रसीद। डिपॉजिट एसेट इसका अमाउंट है 37500। उसके बाद है, चलिए उसके बाद आप देख रहे होंगे इन्वेंट्री प्रोटेशन। अब दिया हुआ है तो इसको इन्वेंट्री करना है। फिलहाल हम इसको अभी नहीं करेंगे, इसको ब्रैकेट में किया हुआ है। अब देख रहे होंगे चार्ट में, देखिए तो चार्ट में देख रहे होंगे तो इसको भी इन्वेंट्री में करना है, तो इसलिए इसको छोड़ करके अभी नीचे दो स्टेप है, इसको लेजर कर लेंगे। क्रिएट ए बी आई को क्रिएट कर लेते हैं। ए बी आई, ए बी आई अकाउंट नंबर, नंबर है 3265 है, ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। यानी इसको ये बैंक अकाउंट है, समझ लीजिए ए बी एक अकाउंट है, वो बैंक का अकाउंट है, ठीक है। तो हम ए बी आई बैंक का अकाउंट किए हैं और बैंक अकाउंट में ही डालेंगे। बैंक अकाउंट रहेगा तो वो बैंक अकाउंट का एक नाम है। अब करेंगे ए बी आई कर लिए, अब ओपनिंग बैलेंस इसका कितना है 80215 और एंटर दे देंगे। उसका एक और बच गया है कैश, कैश इन हैंड। हम बताए थे ना कैश इन हैंड का पहले से अकाउंट क्रिएट रहता है, कैश इन हैंड और प्रॉफिट एंड लॉस का, तो इसका बनाने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसको पेजअप कर लेंगे, कीबोर्ड का कीबोर्ड से पेजअप लिखिए, पेजअप कर लेंगे कीबोर्ड से। हम करेंगे पेजअप, हम जाएंगे एस्केप करते हुए कैश इन हैंड में, कैश में जाएंगे। देखिए यहाँ आपको शो कर रहा है कैश में, कैश पहले से बना हुआ है, हम नहीं बनाए हैं, पहले से बना रहता है और हमको सिर्फ अमाउंट दे देना है। एंटर दे देंगे, एंटर दे करके इसका अमाउंट बैठा देंगे 7784730। यहाँ देखिए यहाँ तक आपका बन गया एसिड का। आप देखिए कुछ इन्वेंट्री आपको जो ब्रैकेट में किया हुआ था बैलेंस शीट में, वो उतना का अमाउंट आपका डिफरेंस यहाँ आ रहा है, ये दोनों में डिफरेंस यहाँ आ रहा है, यानी 1,13,500 का डिफरेंस आ रहा है। यानी जो आप इसको हम क्या करना है, इन्वेंट्री के थ्रू इसको एंट्री करना है। तो आप इसको क्या करेंगे, एस्केप कर लेंगे, कीबोर्ड में जाकर के एस्केप करेंगे, एस्केप बटन प्रेस करेंगे, यहाँ एस्केप कर लेंगे और एक एस्केप करेंगे 2 3 4 चार बार एस्केप कर लेंगे। और उसके बाद जाएंगे इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, नीचे जाएंगे इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाकर क्लिक करना है, क्लिक करके स्टॉक पहले ग्रुप कर लेंगे, ग्रुप में की एंटर देंगे और क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करके आपका बनाया हुआ है पहले स्टॉक, स्टॉक अकाउंट, और इसको प्राइमरी रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करना है और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ हो गया स्टॉक ग्रुप, स्टॉक ग्रुप। अब फिर इसके एस्केप करेंगे, एक एस्केप कर लिए, एक और एस्केप कर लेंगे। अब यहाँ आ जाएंगे स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रुप में जहाँ आपको शो कर रहा हो, और उसके बाद जाएंगे नीचे की ओर। देखिए नीचे कोना में आपको F11 और F12 से दिया हुआ है, तो हमको F11 से फीचर्स में जाना है, F11 से फीचर्स में जाना है। F11 को क्लिक करेंगे, आपका ये ऑप्शन खुलेगा और अकाउंटिंग फीचर्स में एंटर देंगे। अकाउंटिंग फीचर्स में एंटर दे करके आपका जो कंपनी पहले क्रिएट अभी किए हैं, जिसमें कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर है, तब इस पर एंटर दे देंगे। एंटर देंगे तब का ये चार्ट खुलेगा, चार्ट खुलेगा तो आपको ये देखना है कि हमको हमको अभी क्या करना है, स्टॉक कैटेगरी को यस करना है। स्टॉक कैटेगरी किस में आएगा, तो F3 में, F1 में है तो F1 में स्टॉक कैटेगरी आया नहीं, स्टॉक कैटेगरी खोजिए, एक एक करके खोजना पड़ेगा। नहीं है तो हम क्या करेंगे, F2 में जाएंगे, इसमें खोजेंगे स्टॉक कैटेगरी है नहीं है, तो F3 में करेंगे, F3 पेस्ट करेंगे, F3 पेस्ट करने में स्टॉक कैटेगरी यहाँ देखिए आपका F2 में ही था, मेंटेन स्टॉक, स्टॉक कैटेगरी। अब इसको यस कर लेंगे, इसको यस करके एंटर देना है, कुछ चेंजिंग नहीं करना है, अब
किसी को यस या नो नहीं करना है, सबको जैसा है वैसा ही रहने देंगे। और फिर यहाँ देखिए मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, इसको यस कर लेंगे वाई दे करके और एंटर दे करके हम नीचे की ओर सेट कर लेंगे और हम फिर स्किप करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज लीजिए। हाँ, उसका स्केप कर लेंगे, स्केप स्केप और एक और स्केप। अब देखिए, अब जहाँ पर आप स्टॉक ग्रुप और स्टॉक स्टॉक आइटम देख रहे थे, वहाँ पर एक स्टॉक कैटेगरी भी शो कर रहा है। अब तो उसको हम एंटर देंगे, सिलेक्ट करके एंटर देंगे और क्रिएट करेंगे। क्रिएट करके हमको इसमें क्या करना है, रेड आर ओ डी रेड अकाउंट, और इसको हमको करना है प्राइमरी में रहने देंगे, एंटर दे देंगे। उसके बाद सीमेंट का, सीमेंट अकाउंट, इसको भी प्राइमरी रहने देंगे। अब ये दो स्टॉक कैटेगरी ऑन हो गया। अब फिर से हम इसको स्किप कर लेंगे, स्किप करके फिर से दो बार स्किप, तीन बार स्किप करके हमको आना है स्टॉक आइटम तक, जहाँ से स्टार्ट किए थे हम स्टॉक कैटेगरी, वहाँ करके स्टॉक आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके हम एंटर देंगे और फिर से इसको भी क्रिएट कर लेंगे एंटर दे करके। अब यहाँ हमको क्या करना है, अब जितना भी हम आइटम है, अब जो चार्ट है बैलेंस शीट का, उस चार्ट देखिए, और चार्ट में आपको दिखा होगा रेड रेड का है, सीमेंट का नहीं दिया हुआ है, मानिए ये रेड का दिया हुआ है, रेड का आपको पहले रेड का करेंगे, रेड दिया हुआ है, इसका स्टॉक में था, अंडर स्टॉक होगा, और इसका कैटेगरी क्या है, रेड, तो रेड दिए। अब यहाँ देखिए यूनिट लिखा हुआ है, अब यूनिट लिखा हुआ है तो इसको यूनिट बनाना है, तो यूनिट कैसे बनाएंगे, तो हम ऑल्टर कीबोर्ड में देखिए, कीबोर्ड में देखेंगे ऑल्टर प्लस सी, ऑल्टर प्लस सी, ऑल्टर प्लस सी को प्रेस करेंगे एक साथ, तो यहाँ सिंबल बोल रहा है, तो ये रेड है वो कितने बिकता है, केजी में बिकता है, केजी सिंबल में शॉर्ट नेम रखेंगे और फॉर्मल नेम रखेंगे किलोग्राम, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ देखिए रेट ऑफ ड्यूटी, इसको कुछ नहीं करना है, इसको एंटर देना है और डायरेक्ट आपको क्वांटिटी में आना है। क्वांटिटी देखिए कितना है, आपका चार्ट में देखिए बैलेंस शीट का चार्ट में आपको मिलेगा 650 क्वांटिटी है, इसका रेट है आपका 24 करके, उसका वैल्यू आ गया 15600। यस, अब इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद जाना है सीमेंट, सीमेंट अकाउंट, सीमेंट का अंदर स्टॉक होगा और इसकी कैटेगरी सीमेंट ही होगा। अब ये केजी में बिकते हैं, नहीं पैकेट में, तो फिर से कीबोर्ड में जाइए, कीबोर्ड में देखिएगा अल्ट्रा प्लस सी, अल्ट्रा प्लस सी प्रेस करेंगे, अल्ट्रा प्लस सी प्रेस करके पैकेट, पीएसटी करेंगे और पैकेट, पैकेट एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ ड्यूटी ऑफ सेल्स, रेट ऑफ ड्यूटी में कुछ नहीं करना है, एंटर दे देना है। आपका इसमें है सीमेंट में 125 रेट है 200 एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद है बिरला, बिरला इसका प्राइमरी है स्टॉक, अंडर स्टॉक होएगा, और ये इसका कैटेगरी है सीमेंट का, और ये भी पैकेट में बिकता है, तो पैकेट कर लेंगे, पैकेट या केजी में भी कर सकते हैं, तो पैकेट में अभी ज़्यादा बिकता है तो इसलिए पैकेट कर लेंगे। और यहाँ रेट ऑफ ड्यूटी में कुछ नहीं करना है, अंडर दे करके क्वांटिटी में आना है, क्वांटिटी में आकर के इसका क्वांटिटी है बिरला का कुछ नहीं है, नील है, तो हम नील कर लेंगे, अंडर देकर एक्सेप्ट कर लेंगे। सर अंबुजा, AMBUJA अंबुजा, अंबुजा स्टॉक में जाएगा, अंडर स्टॉक यहाँ देखना है आपको, अंडर स्टॉक, तो आपको यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप में क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, तो हम इसको एंटर दे दिए। और हम यहाँ जाएंगे लिस्ट अंडर कैटेगरी, इसका क्या था अंबुजा का, तो सीमेंट में, तो सीमेंट को क्लिक करके एंटर देंगे, और ये पैकेट में दिखता है तो पैकेट को एंटर दे देंगे, और इसको कुछ नहीं करता है, अंडर यहाँ क्वांटिटी में आना है, क्वांटिटी है 165, एंटर दे करके 200, 33,000
यस एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लिए आप मेरा बन गया, जो बैलेंस था वो कंप्लीट हो गया है, जितना भी एडजस्टमेंट था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको करेंगे एस्केप, एक दो तीन चार, चार बार एस्केप कर लिए हैं, कितना बार किए हैं चार बार। अब जो स्टॉक आइटम बना रहे थे उसके बाद हमको चार बार एस्केप करना है, चार बार एस्केप करके हम आएंगे, हमको अब क्या करना है यानी चेक इन करना है बैलेंस शीट कि मेरा बैलेंस शीट चेक इन हुआ है, चेक हुआ है कि नहीं। सबसे पहले हम चल जाएंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, सबसे फर्स्ट ऊपर में देख रहे होंगे, इसको एंटर देंगे, लेजर में जाएंगे, लेजर को क्रिएट करेंगे। तब देखिए यहाँ डिफरेंस आ रहा है 39,900 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर कहीं मिस्टेक है, 39 तो अंबुजा का इसमें छूट गया है। अब देख रहे होंगे एडजस्टमेंट जो कर रहे थे अंबुजा का, उसका अंबुजा का क्वांटिटी वगैरह नहीं दिए हैं, तो उतना ही का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस आ रहा है किसका नहीं। आपको देखिए डेटर क्रिएटर मिल गया है बट डेटर नहीं मिल रहा है, तो हम डेटर में ही देखेंगे यानी ऐसे साइड में देखेंगे, हम जो एडजस्टमेंट कर रहे थे एडजस्टमेंट में हमको इतना डिफरेंस आ रहा है, तो हम इसको डिफरेंस आ रहा है ना, तो हम डिफरेंस को देखेंगे कहाँ पर से हम करेंगे एस्केप जाएंगे, एस्केप एस्केप एस्केप। अब हमको किस पे किए थे, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में किए थे, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में एंटर देंगे, एंटर दे करके स्टॉक आइटम से किए थे ना, अभी स्टॉक आइटम में जाएंगे, स्टॉक आइटम में क्रिएट करके एंटर देंगे, क्रिएट करेंगे। अब इसको पेजअप करेंगे, कीबोर्ड में देखिए पेजअप लिखा होगा, पेजअप पेज डाउन, तो पेजअप करेंगे, पेजअप करके हमको क्या करना है अंबुजा का, अंबुजा में जाएंगे, अंबुजा अंबुजा में देखिए यहाँ आपका कुछ मिस्टेक है, हम अंबुजा में कुछ और का क्वांटिटी डाल दिए हैं, तो इसका क्वांटिटी है 210, एंटर 190, ठीक है। आप इसको पिकअप करके देख लेंगे रड का, ठीक है रड का 15, ठीक है सीमेंट का, सीमेंट का 25,000, ठीक है बिरला का, बिरला का नील है, अंबुजा का 39,900, ठीक है। उसके बाद है एल एन टी छूट गया था, एल एन टी को एक बनाएंगे, एंटर देंगे, इसको करना है स्टॉक में और इसको सीमेंट में करना है, और उसका यूनिट रहेगा पैकेट में, ऐसे क्वांटिटी क्या है 165, रेट है 200। अब देखिए इसका अमाउंट आ गया, अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अब इसको एक्सेप्ट करेंगे, स्किप करेंगे, एक दो तीन चार, चार बार स्किप करना है, जहाँ से हम स्टॉक आइटम कर रहे थे वहाँ से चार बार स्किप करना है, स्किप करके हमको जाना है फिर से चेकिंग कर लेंगे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जा करके एंटर देंगे, लेजर में जाएंगे, लेजर में एंटर देंगे, क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करके देखिए आपका यहाँ दोनों ओपनिंग बैलेंस यानी लाइबिलिटी साइड का और एसेट साइड का दोनों बैलेंस इक्वल हम नजर आ रहा होगा, तो ये आपका जो बैलेंस बनाए हैं ये सही है, अगर यहाँ कुछ गलती रहता तो यहाँ बैलेंस डिफरेंस आता, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेंगे बैलेंस शीट में फॉर्मेट कैसा आता है, एस्केप करके एस्केप कर लेंगे और हम जाएंगे कहाँ, नीचे की ओर देखेंगे बैलेंस शीट लिखा होगा, बैलेंस शीट चेक इन करेंगे, उस पर एंटर देंगे, आपको यहाँ देखिए दोनों साइड 12,60,237,237.30 इतना का दोनों साइड इक्वल आ रहा है, इसका मतलब बैलेंस शीट सही है। आपको यहाँ शॉर्ट में दिख रहा होगा लेकिन इसको फुल नेम यानी बड़ा बड़ा दिख नहीं, पूरा डिटेल्स में देखना है तो क्या करेंगे, ऑल्टर कीबोर्ड में जाइए, कीबोर्ड में जाकर के ऑल्टर प्लस F1, ऊपर में F1 होगा, ऑल्टर प्लस F1 एक साथ प्रेस करेंगे, ऑल्टर प्लस F1 प्रेस किए तो आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल्स में कि किसका क्या अकाउंट डेटा में है, अकाउंट फिक्स एसेट में है, इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट है, ये सब आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। तो ये आज के लिए इतना ही, और आपको जब हो जाएगा तो आप इसको एस्केप करिए, एस्केप करिए और एस्केप करके वाई करना है, वाई करके एस्केप करके निकल जाना है बाहर, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जो हमें कमेंट में बताइएगा, और लगा अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में शेयर करें जरूर, ताकि इस वीडियो को और भी इससे हेल्प किसी को भी मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।